स्वागत है आपका अंजना राणा किचन में। आज हम बना रहे हैं पहाड़ी आंवले का अचार। तो हमने आंवले को अच्छे से धो के इसका पानी सुखा लिया, अब हम इसका अचार बनाएंगे। कढ़ाई रख दी है गैस पे, हमने गैस ऑन कर ली है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच सरसों के तेल के। अब हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने आंवले लिए हुए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अब हमने आंवले को अच्छे से ही इसमें पका लेना है। अब हम ऐसे करके इसको हिलाते रहेंगे। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन देके इसको पका लेना है। हमने आंवले को 5 मिनट के लिए पका लिया। मैंने इसमें हल्दी का 1 चम्मच और 3 चम्मच मैंने नमक के डाल दिए थे बीच में, ये आपको मैंने दिखाया नहीं है, तो आप भी इसमें बीच में डाल देना क्योंकि आंवले अच्छे से नमक डाल के गल जाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। 1 चम्मच हम डालेंगे जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल टेगी मिर्च, इससे बहुत अच्छा कलर आता है, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 साबुत धनिया हमने पीस के दरदरा करके भून के ले लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे मेथी का, हमने 1/2 चम्मच मेथी को हमने भून के पीस के ले लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। अब हमारे सारे अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं और आंवले भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब ये हमारा आंवले का अचार बनके खाने के लिए तैयार है। आप भी इसको अभी तुरंत भी खा सकते हैं और 1 हफ्ते के बाद भी खा सकते हैं। सारा नमक मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब ये हमारा आंवले का अचार बनके तैयार हो गया, अभी इसको आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी आंवले का अचार अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।